students, welcome to online classes collected by St. James School. Today we are going to teach for subject history chapter 2, the Egyptian civilization, for class 7. Now we are going to start this Egyptian civilization. Civilization, it means a city. जब कुछ लोग एक जगह रहने लगते हैं तो उनमें फेस्टिवल्स, उनकी कल्चर, सब चीज़ें, तो वो हो जाती है हमारी सिविलाइजेशन। तो इसी तरह से इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आ सिविलाइजेशन एरोज इन इजिप्ट। कहाँ पर हुई इजिप्टियन सिविलाइजेशन? इजिप्ट में हुई, इन द वैली ऑफ रिवर नील। इस ज़्यादातर सारी सिविलाइजेशन कहाँ हुई है कि नियर द रिवर, बिकॉज दिस इज़ फर्टाइल लैंड और यहाँ से ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड और सॉयल और फार्मिंग सभी के लिए बहुत ही हम लोगों के उनके लिए हेल्पफुल होती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन कहाँ हुई है? नियर द रिवर। तो ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी वैली ऑफ रिवर नील, नील नदी के किनारे हुई है। रिवर मेड एट जॉइनिंग फ्लड, वहाँ एनुअली हर एनुअली फ्लड्स आते थे, उस वजह से वहाँ का जो प्लेस था वो काफ़ी फर्टाइल हो चुका था, सो मैनी क्रॉप्स आते, बहुत सारे बर्ग ग्रो, बहुत सारी क्रॉप्स होती थी। दैट इज वाई इजिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नील, इसलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नील भी कहा जाता है। सोर्सेज, अब इस इजिप्टियन सिविलाइजेशन हमें कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन की कभी थी? दिस सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ये जो सिविलाइजेशन है ये किस पर बेस्ड है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का हम मिले हैं और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का कुछ मिले हैं जिनसे हमें इस इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली है। सभी लोगों को पता चला कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी 3300 BCE बिफोर द क्राइस्ट, ये सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। दिस हैव हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। ये जो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये हमें हेल्प करते हैं इजिप्ट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से समझने के लिए कि उस सिविलाइजेशन में कैसे लोग रहते थे, किस तरह से, हाउ दे मैनेज। पीरियड डिवाइड इनटू थ्री पीरियड, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को थ्री पीरियड में डिवाइड किया गया है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे थी और लो क्रॉप्स, इसलिए उसे बहुत ही फर्टाइल लैंड था, बहुत सारी क्रॉप्स होती थी, इसलिए उसे गिफ्ट ऑफ नील कहते थे। आर्कियोलॉजिकल और ऑफिशियल सोर्सेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है और इस पीरियड को थ्री पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा द ओल्ड किंगडम, ये सबसे पहले जब एज ऑफ पिरामिड, जब पिरामिड बनते थे, ममीज होती थी और उनके पिरामिड पर आ जाते थे, ये सबसे ओल्ड किंगडम, सबसे पहले जब तुरंत बहुत डेवलप नहीं हुआ था तब का किंगडम, बहुत ही पुराना शुरुआती ओल्ड किंगडम। उसके बाद आता है मिडिल एज, जब थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगी उदो सिविलाइजेशन, उनमें नई चीज़ें आने लगी, चेंजेस होने लगे, ये मिडिल सिविलाइजेशन। इसमें ऑप्शंस रूल शॉर्ट है, बहुत कम समय के लिए रूल किया। ये आता है न्यू किंगडम, जो किसी भी सिविलाइजेशन में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है और ये बिल्कुल न्यू किंगडम है उस समय का उभरता हुआ सिविलाइजेशन। दिस पीरियड एक्सटेंड रफली। उसके बाद और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के सोशल क्लासेस, कितने क्लासेस में बटे थे? ज्यादातर सारी सिविलाइजेशन फोर क्लासेस में बटी हुई थी, इसी तरह से इजिप्टियन सिविलाइजेशन के हाउ मेनी क्लासेस डिवाइडेड? फोर क्लासेस। सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ मेनी क्लास, करें तो बहुत, लेकिन फोर मेन क्लासेस थे। द रूलर वाज कॉल्ड फारू, वहां के जो रूलर होते थे उन्हें फारू बोलते थे। कंसिस्टेड मेनी क्लासेस, द रूलर वाज कॉल्ड फारू, ट्रीटेड लाइक अ गॉड, जो फारू वहां का रूलर होते थे उनको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता, सारे रूल्स बताते थे, रेगुलेशन की कैसे फॉलो करना है, सारे को देते थे कि तो किसी को नया रूल बनाना है या किसी को पनिशमेंट देना है किसी क्राइम के लिए, या जितने भी डिसीजन होते थे वो कौन लेता था? फारू, रूलर ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। उसके बाद आते थे प्रीस्ट आते थे वो सारे गॉड्स की प्रेयर वगैरह करने में और रूलर को हेल्प सजेशन में हेल्प करते थे। नोबल्स, मर्चेंट, राइट ट्रेडर्स, राइटर्स, फार्मर्स, ये सारे लोग आते थे थर्ड कैटेगरी में। और एट द लास्ट एंड द लो
स्लेव्स बन के रिच वुमेन्स के यहाँ रहती थी, उनके काम करती थी, और वो चीफ मेटल के ऑर्नामेंट्स पहनती थी, और उनका मेन अम्यूजमेंट था सिंगिंग एंड डांसिंग, और रिच वुमेन्स का था पेंटिंग। उसके बाद आता है फूड के, उसमें क्या लोग आ रहे थे, तो वीट एंड बार्ले मेन क्रॉप्स थे, सबसे मेन इजिप्टियन सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी, वीट एंड बार्ले मेन क्रॉप्स। ब्रेड उस समय बनती थी, वीट और बार्ले दो ही चीज़ों से बनती थी, और दे एट वो खाते थे ग्रेप्स एप्पल्स वेजिटेबल्स पॉमिग्रेनेट सो मैनी फ्रूट्स बिकॉज दे ग्रो सो मैनी क्रॉप्स। तो वो बहुत सारी वहाँ क्रॉप्स होती थी, और वो लोग तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल सभी कुछ वो लोग यूज करते थे एज लाइक अ फूड। वाइन वॉज अ पॉपुलर ड्रिंक अमंग द रिच, जितने भी रिच लोग होते थे वो वाइन उनका पॉपुलर ड्रिंक था, एज एनी फेस्टिवल कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी, तो वो ड्रिंक उनका पॉपुलर ड्रिंक था वाइन। अब आता है इसके बाद रिलीजन बहुत सारे गॉड वर्शिप, दे वर्शिप सो मैनी गॉड एंड गॉडेस, को बहुत सारे देवी देवताओं की गॉड एंड गॉडेस की वर्शिप कर पूजा करते थे, लेकिन उसमें से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपके आमुन नील और रा, ये सन गॉड थे, किंग ऑफ गॉड, ये सारे गॉड्स के क्या होते थे, किंग होते थे, एक हेड होता है जैसे, तो वैसे ही थे आमुन नील रा, ये सन गॉड थे और किंग ऑफ ऑल गॉड, ये सारे गॉड्स के किंग थे। उसके बाद आते थोर, ये मून गॉड है, थोर मून गॉड, हॉरस स्काई गॉड, ये गॉड थे उस इजिप्टियन सिविलाइजेशन के, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दे ऑल्सो बिलीव द लाइफ आफ्टर डेथ, ये भी बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, इसलिए ये जब भी किसी की डेथ होती थी तो उसको उसके साथ स्पाइसेस और हर्ब्स रख के और उसको लीनन के कपड़े में उसको रैप करके और वुडन बॉक्स में रख देते थे, और उसके जो डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं, फूड होता है और ज्वेलरी क्लोथ्स सारी चीज़ें उसके साथ रख दिए जाते थे वो कि उसके आगे के लिए काम आएगी। ये डेथ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, समझते थे डेथ होती इसलिए कि हम लोग नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कम अंदर जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, पोल्ट्री मेकिंग कार्पेंट्री फिशिंग सो मैनी ऑक्यूपेशन। नाउ नेक्स्ट ट्रेड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ये इनकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, उस समय भी लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे, और ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए ज़्यादातर ये डंकी और कैमल का यूज़ करते थे, डंकी और कैमल से, और अगर रिवर से जाना है तो छोटी छोटी बोट्स और शिप्स बनाकर ये भी ये लोग बिजनेस ट्रेड अपना करते थे। उसके बाद आता है मेजर अचीवमेंट, अब इनके मेजर अचीवमेंट क्या क्या थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दिस इज द मोस्ट 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 वंडर इन द वर्ल्ड, मोस्ट फेमस वंडर इन द वर्ल्ड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। उसके बाद आता है इसके आर्कियोलॉजिकल फिगर है, इसमें हेड ऑफ मैन एंड बॉडी ऑफ एनिमल, इसमें हेड जो है वो मैन का और बॉडी फिगर की एक आर्कियोलॉजिकल फिगर है, दिस इज द फेमस अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट, अभी लोगों की राइटिंग किस तरह से इन्होंने लिखा, कैसे हमें इनके बारे में पता चला, ये कैसे लिखते थे, अपने आइडियाज अपने थॉट्स कैसे दूसरों को तक पहुँचाते थे, तो ये मेरोलॉजी से विच मीन्स स्क्रिप्ट राइटिंग ऑन वॉल, जो वॉल पर पेंटिंग बनाते थे और अपने सिम्बल्स और साइंस देते थे जो रिप्रेजेंट करते थे उनके थॉट्स को उनके आइडियाज को, इस तरह से लोग उनके वर्ड्स लिखते भी जैसे सिम्बल्स बनाते थे करते थे जो रिप्रेजेंट करते थे उनके वर्ड्स को उनके आइडियाज को उनके थॉट्स को, तो किस तरह से वॉल पेंटिंग पिक्चर्स सिंबल्स सो मेनी टाइप्स ऑफ दे यूज देयर स्क्रिप्ट। दिस इज द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन न्यू द मेन चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, द सिविलाइजेशन अरोज इजिप्ट इन द रिवर ऑफ नील, सोशल क्लासेस गोल पे, लाइफ ऑफ पीपल कैसी थी, फादर हेड ऑफ द फैमिली वुमेन्स रूल में डिवाइड थे। अभी तो आता है आप लोगों ने इनके अचीवमेंट आपको देखना है, तो इनके साइंस
ऑफ दिस टाइम। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में ने जो कैलेंडर बांटा था 365 डेज का बना था और 5 डेज अलग से माने थे फेस्टिवल्स को एंजॉय करने के लिए। ये हमारा आता है पूरे इजिप्टियन सिविलाइजेशन जिसमें हम लोगों ने ये कि किस दिशा पर किस नदी के किनारे का सोर्सेस क्या क्या थे, हाउ मेनी पीरियड दे आर डिवाइडेड, सोशल क्लासेस, लाइफ ऑफ पीपल, फूड, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, मेजर अचीवमेंट, स्क्रिप्ट, सो मेनी थिंग्स। ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन का पूरा पोर्शन है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन विच रिवर, नील रिवर के किनारे हुई थी और इसे गिफ्ट ऑफ नील भी कहते हैं। थैंक यू।